आज ही के दिन 1837 में महारानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर काबिज हुई थी। अपने उदार विचारों के कारण ही वो भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। उनके सम्मान में हरदोई में विक्टोरिया मेमोरियल हरदोई और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। आज ही के दिन 1869 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म हुआ था। अपने शुरुआती वक्त में किर्लोस्कर जी ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष प्रारंभ किया, जिसके बाद वो किर्लोस्कर उद्योग समूह के संस्थापक बने। आज ही के दिन 1976 में लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 300 पश्चिमी नागरिकों को अमेरिकी सेना की मदद से सीरिया पहुंचाया गया। लेबनान में अमेरिकी राजदूत फ्रांसिस मेलॉय की हत्या के बाद अमेरिका ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी थी। आज ही के दिन 1990 में ब्रिटेन के तत्कालीन चांसलर जॉन मेजर ने पूरे यूरोप के लिए अलग अलग राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ एक नई मुद्रा का प्रस्ताव रखा था। मेजर ने इस नई मुद्रा का नाम हार्ड ईसीयू यानी यूरोपीय करेंसी यूनिट रखा था। आज ही के दिन 1991 में संसद में जर्मनी की राजधानी बोन के बजाय बर्लिन को बनाए जाने पर मतदान हुआ था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 338 और विरोध में 320 वोट पड़े। देश के दक्षिणी और पश्चिमी प्रांतों के सांसदों ने बोन के पक्ष में, जबकि उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के सांसदों ने बर्लिन के पक्ष में मत दिया था। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।